हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो अभी हमें क्या करना है कि अब हम धीरे धीरे एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम या मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपना हम जो सॉल्यूशन करते हैं, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसमें हम 1D, 2D और 3D बॉक्स तीनों के अंदर पार्टिकल्स का हम डिस्कशन करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हम इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं सॉल्यूशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए एक या दो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो प्लीज गाइस, थोड़ा सा आप इसे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार जब हम ये कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा, और कॉन्फिडेंस काफी बड़ी चीज रहती है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं कि सिंपल अगर कोई इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट है ये चीज़ अपनी क्या होती है कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी क्या रहती है कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो अपना कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव मिले तो हम क्या कहेंगे उस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो वाई है ना अपना, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। तो वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपना, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, तो हम क्या बोलेंगे कि वाई इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू y पर डिपेंड नहीं कर रही, तो x की हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर सकते हैं y के, और डिफाइन y की वैल्यू लेने के लिए। तो अपना x क्या यहाँ पे रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है वो तो हो गया अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो अपना क्या रहेगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे इसमें क्या करना है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, तो जैसे मैंने ये लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है, ये एक इक्वेशन अपनी, तो इस इक्वेशन में अब क्या कंटेन किया हुआ है कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो वाई अपना यहाँ पे आप अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलो, और एक्स अगर अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म आ रही है। तो मतलब कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म कंटेन होती हो तो वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो चीजें आती हैं, एक तो हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्टली क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी दो टर्म ही लिखते हैं पहले, ऑर्डर और डिग्री। ये ऑर्डर और डिग्री की अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से मतलब सीधा से ये रहता है अपना कि कितना, ऑर्डर का मतलब है कि कितने बार डेरिवेटिव हुआ है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। जैसे अगर मैं ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, वन है, क्योंकि यहां पे सिर्फ कितने बार डेरिवेटिव हुआ, एक हुआ है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव दो बार हुआ, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं डी, ये चीज, तो इसमें ऑर्डर कितना है मेरा, ऑर्डर थ्री है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड,
ऑर्डर से अगर हम जैसे अगर बिल्कुल अगर मैथमेटिक्स की तरफ अगर हम चलें तो ये काफी लंबा थोड़ा कंसेप्ट बनता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग किया रहता है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं कि उस इक्वेशन का, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, कि अगर ऑर्डर 2 है तो उसको सोल्व करने के लिए मुझे कितने चाहिएंगे, 2 आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स यूज, सॉरी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे। अगर ऑर्डर 3 है तो उसमें पर्टिकुलर मुझे कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। तो यहां से हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं सीधा क्या करूंगा कि इसको राइट हैंड साइड ले जाने के बाद मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 2 बार, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा, और 2 बार करूंगा तो 2 ऑर्डर कम हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या बच जाएगा आपका, dy/dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -x²/2। और जब आप इनफाइनाइट इंटीग्रल यूज करते हैं तो हमें कांस्टेंट अप्लाई करना होता है। तो एक मेरा कांस्टेंट यहां से आ गया, और इसी इक्वेशन का अगर मैं तो फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो dy/dx इसका y बन जाएगा, और इसका अगर मैं करूँ तो x³/6 c1x और +c2। तो यहां से मेरे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में मुझे 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मिले हैं। तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन से मतलब यही रहता है अपना। इसके बाद सेकेंड टर्म क्या रहती है, जैसे अब ऑर्डर क्या देखना हमें, अगर ये तो चलो सिर्फ एक या दो या तीन टर्म में कंटेन कर रहा है, अगर इक्वेशन के अंदर मोर देन वन डिफरेंशियल टर्म्स हो तो देन उस टाइम हमें क्या चेक करना है, उस टाइम हम वो चेक करें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा d2x² dy dx +x³=0। तो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास 2 डिफरेंशियल टर्म है, फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म है dy/dx और सेकंड डिफरेंशियल टर्म है d2y/dx². अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो यहां से सॉल्यूशन मुझे क्या, इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, तो ऑर्डर के टाइम हमें क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। यहाँ पे इस टर्म का ऑर्डर है 2 1, सॉरी, और इसका ऑर्डर कितना है 2। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे। कि हमें क्या देखना है, इसमें सबसे बड़ी जो टर्म है ना, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है उसे देखना है, और वो ही अपना क्या रहेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। और डिग्री की अगर मैं बात करूँ, इसी इक्वेशन की अगर डिग्री देखूँ तो डिग्री से मतलब हमें क्या रहता है कि हम उस इक्वेशन में कितनी पावर यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म है ना उसकी हम पावर देखेंगे कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या बन जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी। तो अब ये चीज देखनी है सबसे पहली चीज, तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन, अगर ऐसा चीज है जहां पे कोई पावर अगर फ्रैक्शन के अंदर है तो हम उस फ्रैक्शन को पहले हटाएंगे। जैसे अगर मेरे पास ये टर्म लिखी हो कि d2y/dx², इसकी पावर मेरे पास 1/2 है, और प्लस x=0 है, तो यहाँ पे इस टर्म की जो डिग्री है मैं वो 1/2 नहीं बोल सकता, यहाँ पे 1/2 नहीं होगी, हमें 1/2 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका पहले फ्रैक्शन पार्ट हम हटाएंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट हटाने के लिए क्या करेंगे कि 1/2 का मतलब क्या, ये स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को कैसे भी करके जो फ्रैक्शन डिग्री वाले टर्म है उसको एक साइड लेके चलते हैं, और फिर इसके बाद में इसकी क्या कर दूंगा, स्केयरिंग कर दूंगा। स्केयरिंग करने पे मुझे क्या मिलेगा इसका, स्केयरिंग से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो मेरा डिग्री बनेगा इसका वो क्या बनेगा, यहां से 1। तो डिग्री देखने के लिए कभी भी डिग्री आप क्या नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में आपको नहीं लेना है, तो आपको उस फ्रैक्शन वाले टर्म को रिमूव करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये चीज है, ये सिंपल सा फंडा है कि ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होता है। अब अगर हम, जैसे हमें पार्टिकल इन वन डायमेंशन स्टोर करना है, तो हम
उसी टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो क्या इससे रिलेटेड हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं ऑर्डर के बेस पे बात करूं तो दो तरीके की हो सकती है, डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे अगर मैं बात करूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी लीनियर का जब हम सिंपल सी बात है, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं रैखिक समीकरण जैसे आती है अपना, और लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस के केस में क्या रहता है, जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन रहती है ना वो क्या होती है आपकी, वन होती है। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या रहेगी, वन होगी। और नॉन लीनियर में क्या होगी, डिग्री वन के अलावा कुछ और होगी, मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकती है। तो दैट इज योर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस केस में अब इसी के अंडर कई पार्ट आ सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे किसी की मैं बात करूँ तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ये फर्दर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके मतलब काफी सारी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये नॉन लीनियर में क्या रहेगी, जिसकी डिग्री टू आएगी, थ्री आएगी, फोर आएगी, उस टाइप की जितनी भी इक्वेशन है वो नॉन लीनियर की आएगी। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है तो लीनियर, इनको भी मैं दो तरीके से मैं रिजोल्व कर सकता हूँ, कि इनको मैं फर्दर दो तरीके से रिजोल्व करने के लिए दो वर्ड यूज और कर सकता हूँ मैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। और फिर इसके बाद अगर मैं इसे यूज करूं तो मैं क्या बोलूं, इसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कोई एक एक्स्ट्रा कोई और पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ कि डी टू एक्स स्क्वायर, ये वाली क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ सारी की सारी अपनी वाई के टर्म में आ रही है, तो कोई एक और अलग से फंक्शन नहीं आ रहा, तो उससे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, दोनों में आप थोड़ा सा फर्क करने की कोशिश कीजिएगा कि टेन एक्स लिख दिया मैंने, ये क्या है, मेरी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से फर्क क्या रहेगा, यहाँ से फर्क सिर्फ एक टर्म का रहता है, एक टर्म कौन सी, कि यहाँ पे मेरा क्या है टेन एक्स है, और यहाँ पे मेरा ये मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्स का फंक्शन नहीं है, मतलब कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अलग कोई टर्म उसके अंदर नहीं आ रही, वो आपकी क्या रहेगी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें जो स्टिक करना है तो हम इन इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, ये चीज हमें देखनी है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आगे दो तीन टाइप के आएंगे, जो हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में यूज करेंगे, टू डायमेंशन बॉक्स में यूज करेंगे और थ्री डायमेंशन में यूज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपना है वन डायमेंशन। अगर जैसे अगर आप अगर हमने वन डायमेंशन का अगर हमने सोल्यूशन सीख लिया तो उसके बाद हम टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन का इजिली सोल्यूशन कर सकते हैं। मेन बात है कि हमें समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस सोल्यूशन के अंदर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए ऐसे इसके अंदर अपने दो चीजें आती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक ऑक्सिलरी पार्ट, दो चीजें आती है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है सबसे पहले हमें। जैसे मैं कोई लेके चलता हूं ये, तो यहां से अगर मैं इस टर्म में से अगर वाई बाहर कॉमन लेता हूं तो मेरा ये टर्म बनेगा। तो यहां से जो ये डेरिवेटिव है ना, इस डेरिवेटिव की नोटेशन हम यूज करेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का मतलब क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स।
अगर मैं इसको कैपिटल डी स्केयर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म है जो कि आपकी क्या रहेगी, डी टू अपॉन डी एक्स स्केयर। और ऐसे अगर मैं डी क्यूब लिखता हूं तो उसका मतलब क्या रहेगा, वो डी थ्री अपॉन, मतलब कि वो थर्ड ऑर्डर की टर्म रहेगी। सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो इस इन इक्वेशन को हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिली फॉर्म में। ऑक्सिली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं इसे ऐसे लिख लूंगा, ओके। तो जो ये वाला जो पार्ट आएगा ना आपका, ये क्या आता है, ऑक्सिली इक्वेशन आती है आपकी, शायद इसे ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप चेक कर लेना कहीं पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को डी प्लस वन है, हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, डी की वैल्यूज निकालेंगे। तो डी की एक वैल्यू के लिए अपना एक पर्टिकुलर एक अलग से सॉल्यूशन आएगा, कि डी के मतलब ये वैल्यू आ गई यहां से माइनस वन, तो इसके लिए मेरा एक अलग से सॉल्यूशन आएगा डी की। अगर ये मोर देन इसका तो चलो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, यहां से सिर्फ इस ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो अपनी क्या, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक मिलेगी। अगर हम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन सोल्व करते हैं टू डिग्री की तो हमें दो वैल्यू मिलेगी। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमें तीन वैल्यू मिलेगी। तो यहां से जितनी ज्यादा वैल्यूज आती जाएंगी अपनी, उतनी ही हमें क्या मिलती जाएगी, वो उतने ही डी की वैल्यूज मिलेगी। तो उन डी की हर एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक अलग से सॉल्यूशन आएगा। तो जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ से, पहले जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ से, इसको मैं अगर nth ऑर्डर का अगर मैं लिख लू, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। और ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसका अगर मैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने चलूंगा तो ऑक्सिलरी a n a ये अपने कोई कांस्टेंट है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं जुटनी। यहां से अगर हम इसे लिखूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये मेरा nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या बताया था पहले, अगर एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म है तो डी वन, सेकंड ऑर्डर डी टू, थर्ड ऑर्डर डी थ्री, तो ये nth ऑर्डर, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, डी एन ए एन प्लस ए एन वाई, इसको डी एन माइनस वन वाई प्लस डी एन माइनस टू, और ये अपना ए एन माइनस टू, और ये अपना वाई। तो ऐसे करके मैं कहां पे पहुंचूंगा, ए वन डी वाई प्लस ए नॉट वाई। तो सभी टर्मों में से मैं अगर वाई कॉमन लेता हूं तो अपनी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बचेगी वो ये वाली है इक्वेशन, लास्ट टर्म पे आ रहा हूं सीधा डायरेक्ट डी, और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जो ये वाली जो इक्वेशन अपनी है, ये क्या है, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जब ये कितने ऑर्डर की है, इसकी डिग्री कितनी है, एन डिग्री है, तो जब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, जिसे मैं ए ही से लिखूं ऑक्सिलरी इक्वेशन जहां पे आएगी, तो अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं तो ये nth डिग्री की है। तो एन डिग्री की इक्वेशन के लिए मुझे डी की डिफरेंट डिफरेंट एन नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगी। तो डी की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है वो मैंने मान ली एम वन, एम टू, एम थ्री और एम एन, इतनी मेरे पास ये डिफरेंस, इतनी वैल्यूज आ गई, क्योंकि इसकी डिग्री एन है तो एन वैल्यूज मिलेगी। उनमें से कुछ टर्में सेम भी हो सकती है और कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर केस अलग से बनता है। अगर रूट सेम आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, अगर रूट्स अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, वो एक अलग केस बनता है पूरा का पूरा। तो पहले हमने ये देखा कि ये सारी की सारी अलग है, मान लिया हमने कि
कि ऑल आर डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पे एक एम वन आएगा, एम टू आएगा, एम थ्री आएगा, एम एन आएगा। तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में जो सोल्यूशन रहेगा वो अपना रहेगा एम वन ई की पावर एम वन एक्स, इसके रिस्पेक्ट में मैं लिखूंगा एम टू एक्स, इसका लिखूंगा मैं सोल्यूशन जो लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी लिखना है हमें, ऑग्ज़ीलियरी पार्ट सॉरी, ठीक है ये चीज। तो टोटल जो सोल्यूशन लिखना है ना लास्ट के अंदर, तो वो मैं क्या लिखूंगा कि y इज इक्वल टू, क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना कौन सा है y के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे y। इतनी वैल्यू मिलने के बाद तो c1 e की पावर m1 x, c2 e की पावर m2 x, c3 e की पावर m3 x, तो ऐसे करके ये अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है वो बन जाएगा। तो यहां से अपने जो c1 c2 c3 cn है ये अपना क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब यह है जितने ऑर्डर की इक्वेशन आएगी उसका सॉल्यूशन में उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे कितने, C1, C2, C3, ये n है, तो n डिग्री की इक्वेशन थी तो मुझे कितने मिले यहाँ पे n मिले, ये अपना सोल्यूशन रहेगा। फिर लास्ट में हमें अगर सी वन सी टू सी थ्री सी एन की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें जैसे एक वैल्यू निकालनी है तो हमें एक कंडीशन पता होगी, दो वैल्यू निकालनी है तो हमें दो कंडीशन पता होगी, यहाँ से अगर n निकालनी है तो हमें क्या होगी n इनिशियल या फाइनल बाउंड्री कंडीशन जो भी है वो गिवन होगी, और उसके थ्रू हम c1 c2 cn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा। एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लेके चलता हूं मैं यहां से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली समझना है कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ये d2 by upon dx square minus 5 dy by dx plus 4y is equal to 0, ये एक इक्वेशन लेके चल रहा हूं यहां से स्टार्ट किया। तो यहां से इक्वेशन स्टार्ट किया, तो यहां से क्या करेंगे, ये सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो क्या लिखूंगा, d square लिखूंगा। ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, तो 5d और प्लस 4, और y मैंने सबसे पहले ही बाहर ले लिया। ओके जो ये वाला y है ना इसको पहले मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। ओके तो अब अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना वो ये बन गई, d स्क्वायर 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से एक इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से d की सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन से हमें d की दो वैल्यू मिलेगी, तो मैं इसके फैक्टर करता हूं। फैक्टर कैसे करने हैं, किसके फैक्टर आएंगे 4d तो माइनस d और प्लस 4, कि अगर मैं इनका जोड़ करूं तो मुझे कितना मिले, प्लस करने पे माइनस 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो इसी केस में तो फैक्टर मेथड होता है, तो यहां से मुझे दो चीजें मिल गई, d माइनस 4 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d की दो वैल्यूज मिल गई 4 और 1 ये। ओके तो d की पहली वैल्यू कितनी आई है अपनी 4 आई है, और सेकंड वैल्यू कितनी है 1 है, तो जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो हम क्या लिखेंगे, c1 e की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, तो एम वन की जगह अपना कितना है 4 है, तो इसका सॉल्यूशन अपना ये बनेगा y इज इक्वल टू दिस 4x, ये अपना सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या रहेगी, ये केस है अगर ये क्या है अपना रियल नंबर्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमें मिल सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम क्या करते हैं, हमें यूलर थ्योरम होती है जो कि उस फॉर्म का हम यूज करते हैं, जिसे हम लिखते हैं e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये अपना यूलर थ्योरम रहता है, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये दो इक्वेशन है, दोनों सेम ही है कोई फर्क नहीं। अगर मैं माइनस थीटा लिखता हूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है, तो वो कोई अलग बात नहीं है, सिंपल सा केस है, यहां से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ये चीज। ओके
तो देखो अब हम एक इसका एग्जांपल जो हम सोल्व करेंगे वो हम क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है वेव फंक्शन है वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कुछ भी, तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसके केस में सॉल्यूशन सेम रहेगा, फर्क सिर्फ हमें क्या होगा, यहाँ पे आइटा आएगा तो आइटा को मैं अप्लाई करूंगा। तो अब हम एक ऐसा केस लेके चलता हूँ जहां से मुझे क्या मिलेगा, कोई मतलब सिंपल लेकर चलता हूँ, ये चीज है। तो यहां से अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूं तो d2 प्लस 1 y, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनेगी d2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से d2 इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस 1, और इसका अगर मैं करूंगा तो स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा प्लस माइनस, दो वैल्यूज आनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया है। और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है अपनी आयोटा, ठीक है। तो d की अपने पास दो वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू प्लस आयोटा और दूसरी वैल्यू माइनस आयोटा, सोल्यूशन अपना सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा, सी वन ई की पावर एम वन, एम वन का अपना क्या है आयोटा एक्स हो जाएगा, और सी टू ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, यहां तक सेम है, आगे भी सेम है, सिर्फ हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ई की पावर आयोटा एक्स का जो वैल्यू लिखवा वो क्या है, इससे आयोटा थीटा तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहां से अपना क्या बन जाएगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, सी टू आयोटा साइन एक्स। तो हम क्या देखते हैं कि c1 के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टर्म ऐसे बनेगी cos x, आई होप कि ऊपर लिखा मैं शायद कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, c1 cos x और c1 iota sin x प्लस c2 cos x प्लस iota c2 सॉरी माइनस यहां पे, तो इन दोनों टर्मों में से cos x कॉमन आ रहा है, तो अपना क्या बन गया c1 प्लस c2 cos x, और इन दोनों टर्मों में से iota sin x कॉमन आ रहा है, तो iota sin x कॉमन लेने के बाद sin x, तो अपना सॉल्यूशन, अब जब हम कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट करते हैं तो अपना क्या रहता है, ये एक कांस्टेंट में जब कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो आर्बिट्री कांस्टेंट इनटू आर्बिट्री कांस्टेंट में इसे एक और कांस्टेंट लिख देता हूं, और इसको भी मैंने एक और कांस्टेंट लिख दिया, ये मेरा क्या बन गया cos x plus sin x, ये अपना सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से अपना सॉल्यूशन ऐसे हम इस चीज को सोल्व करेंगे, और एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जहां पे हम c1 और c2 की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं ये लेके चलते हैं, इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां से, a2 y अपॉन dx स्क्वायर माइनस सिक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 25 वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जिसकी इनिशियल जो ये प्रॉब्लम्स है हमें ये दे रखी है माइनस थ्री और वाई डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। तो इन दो इक्वेशंस जैसे कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे इसे सोल्व करने के लिए लास्ट में मिलनी चाहिए दो इनिशियल कंडीशन या दो बाउंड्री कंडीशन या फिर इनिशियल प्लस बाउंड्री कंडीशन, मतलब दो कंडीशन चाहिए कोई भी, तो ये दोनों के दोनों इनिशियल कंडीशन अपने पास क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे y इक्वल टू 0 पे। तो अब क्या रहेगा, तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं यहां से कि ये सेकंड ऑर्डर की है तो इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो मुझे इसकी ऐसे लिखनी है, तो यहां से इसको सोल्व करें, फिर सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको फैक्टर नहीं हो सकते इसके, ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म आएगी, तो हम जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए, हम ऐसे उस चीज का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेम ही हम इसका भी यहीं पे ऐसे करेंगे,
तो यहाँ पे ए की जगह अपना वन है, तो इसके तो सोल्यूशन आएंगे वो कहेंगे डी माइनस प्लस 6 हो गया अपना ही, सॉरी यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँ मैं 36 मिलेगा मुझे, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 टू ए, तो यहाँ से क्या मिल गया ये प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 100, ए की जगह अपना वन है यहाँ पे, तो ये इसका जो अल्टीमेटली लास्ट में सॉल्यूशन आ रहा है वो अपना क्या रहा है 60 माइनस 100, ये बनेगा अपना माइनस का 64, तो यहां से ये टर्म बन गई माइनस 64, 64 का रूट क्या रहेगा 8, और माइनस 1 है तो उसका क्या आएगा अपना आल्टा, और 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अपने यहां से डी की दो वैल्यूज आ गई, प्लस यहां से दो सॉल्यूशन आ गए, तो ये दो सोल्यूशन मिलने के बाद जो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, सोल्यूशन मैं लिखूंगा इसका y इज इक्वल टू c1 e की पावर आयोटा m1 प्लस c2 e की पावर 3 माइनस 4 आयोटा s। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग नहीं है बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी यहाँ पे कि अगर मैं इस पार्ट को अगर सोल्व करता हूँ तो क्या रहेगा c1 e की पावर 3x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर 4 एटाइज, क्योंकि a प्लस b होता है ना e की पावर, तो उसका मतलब ये होता है कि ये अलग अलग है किसी भी टर्म की पावर प्लस में रखती है, तो सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3x अलग लिख दिया और माइनस 4 एटाइज, पहले मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ये x इधर आ जाएगा, और इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 4 एटाइज, अब इसको हमने अलग अलग कर लिया, तो इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन आ रहा है अपना e की पावर 3x, की पावर 3x कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा अपना यहां से e की पावर 3x, और फिर वो सेम क्या है था, अगर मैं यहाँ पे मिरर थ्योरम लगाता हूँ तो कोस 4x, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x है, तो प्लस आयटा साइन 4x, मिरर थ्योरम क्या थी अपनी ए की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा इज अपना क्या है 4x है, तो ये एक प्लस c2 के इनटू में क्या आएगा अपना कोस 4x, अगर माइनस है तो माइनस के केस में क्या था यहाँ पे बीच के अंदर माइनस लग जाएगा अपना, बस यही फर्क था, तो माइनस आल्टा साइन 4x, तो इन दोनों में से अपना कोस कॉमन आएगा, कोस कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा अपना c1 प्लस c2 कोस x, और इन दोनों टर्मों में से अपना क्या आएगा आयोटा साइन एक्स कॉमन आएगा, तो आयोटा साइन एक्स कॉमन लेने के बाद ये अपना क्या बन जाएगा साइन एक्स, तो यहां से ये वाली जो टर्म है अपनी ये एक अलग कांस्टेंट है, तो अलग कांस्टेंट है क्योंकि c1 प्लस c2 और कांस्टेंट को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे कोई एक और नया कांस्टेंट मिलेगा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ अल्फा से, और इसको मैंने लिख दिया बीटा से, कांस्टेंट है किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपना अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन आ गया अभी। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, पहला अपना अल्फा है और दूसरा अपना क्या है बीटा है, ठीक है, तो हमें इन दोनों को निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिएगी, तो जो कि दो कंडीशन हमें दे रखी है, पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि y ऑफ जीरो मीन्स कि जब x की वैल्यू जीरो है तो अपना जो y है वो कितना माइनस का 3 है, तो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना माइनस का 3 है, तो माइनस 3 अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या बनेगा e की पावर 0 अल्फा कोस 0 प्लस बीटा साइन 0, साइन 0 अपना 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी रहती है माइनस 1, और किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये बन गया अल्फा माइनस 3, तो फाइनल जो वैल्यू अपनी वो क्या आ गई यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, एक वैल्यू हमें यहां से मिल गई, और दूसरी वैल्यू के लिए क्या है कि y डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 3,
वन है यहाँ पे। y डैश मतलब इस टर्म का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डैश का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस टर्म का मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और बिना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के यहाँ तक जितना क्वांटम का पोर्शन हो वो आप कर सकते हो, पर जो इससे आगे का जो पोर्शन है, जैसे हम ये सोल्व कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर सोल्व करेंगे और स्क्रोडिंगर वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सोल्व करेंगे, पर्टर्बेशन वेरिएशन मेथड, तो उसमें आप बिना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के सोल्व कर पाना तो काफी मुश्किल रहेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये अपने यू इंटू वी से सोल्व होता है इसका। तो यू इंटू वी से जब मैं सोल्व करता हूँ इसको तो क्या मिलेगा हमें, कि फर्स्ट टर्म एस टी रहेगी अपनी, और सेकंड का अगर डेरिवेटिव करना है तो यू इंटू वी का फॉर्मूला ये रहता है कि फर्स्ट टर्म एस टी और सेकंड का डेरिवेटिव कर लिया, फिर सेकंड टर्म एस जैसी है वैसी की वैसी और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो ये यू इंटू वी से हम सोल्व ऐसे करते हैं। यहाँ पे अपने दो फंक्शन होंगे, e की पावर 3x और ये फंक्शन, तो इसको सोल्व करना है। तो अल्फा कोस का डेरिवेटिव रहेगा साइन, और प्लस बीटा कोस एक्स, चलो इसका हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये टर्म अपनी एस टी से रखते हैं, और हम क्या करते हैं जो सेकंड टर्म है इसका करते हैं यहाँ पे। तो इसका करें तो e की पावर का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं आता, तो e की पावर 3x रहेगा, और जो इसकी 3x जो पावर है उसका डेरिवेटिव करें कितना आएगा, अपना 3 आएगा। तो ये अपना डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो इस डेरिवेटिव में क्या है, जब मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। चलो हम रखते हैं वैल्यू, हमें क्या मिलता है लास्ट में देखते हैं। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, -3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो e की पावर 0 रखूंगा तो ये अपना 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा साइन 0 बीटा कोस 0 प्लस अल्फा कोस 0 बीटा साइन 0 e की पावर 0 क्रॉस इनटू 3। तो ये टर्म अपनी 0 हो गई, कोस 0 अपना क्या होता है, 1 होता है, और अल्फा कोस 0 कितना होता है, 1, साइन 0 0 होता है, तो ये अपना आगे -1 वैल्यू में दे रखी है, ठीक है, क्योंकि y डैश 0 अपना कितना है, -1 है। यहाँ से बेटा अल्फा की वैल्यू हमें पता चली कितनी थी, -3, ठीक है गाइस। तो बेटा -9, यहाँ से जो बेटा की वैल्यू वो क्या आ गई, तो इस तरीके से हम इनको हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे। सो फ्रेंड्स, ये तो अपना था कि वन डायमेंशंस की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट अपना रहेगा वो क्या रहेगा, कि हम टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, कि अगर जैसे अपनी इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी, d2x/dt2dy/dx, ये अपना f(x,y) का कोई फंक्शन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये अपनी क्या है, टू डायमेंशंस होगी, एक्स और वाई के अंदर टू डायमेंशंस वेव इक्वेशन होगी अपनी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वेव इक्वेशन और एटी इक्वेशन सोल्व करने का तरीका अपना नेक्स्ट रहेगा, इसी फंडे से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे उन्हें। तो यह था अपना इस वन डायमेंशन के लिए, कि वन डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सोल्व करते हैं। सो हम इसी के बेस के ऊपर जो अपना पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है वो सोल्व करेंगे, पार्टिकल इन टू डायमेंशन बॉक्स है वो 2D इक्वेशन को सोल्व करके करेंगे, 3D इक्वेशन को सोल्व करके करेंगे। थैंक यू गाइस।